स्वाति मालीवाल ने एनकाउंटर को सही बताया है। तो आरोपी भागेंगे तो पुलिस क्या करेगी? सारे रेपिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चार दिन से धरने पर बैठी हैं और अब उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। तो डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपना अनशन तोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब आरोपी भागेंगे तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी। तो आरोपियों के मारे जाने के बाद अनशन तोड़ा है। एक लड़ाई जो है वो उनकी तरफ से जारी की गई थी। इन आरोपियों के ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग वो कर रही थी। 6 महीने अंदर फांसी की जो है वो मांग यहां पर की जा रही थी और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहां पर महिलाएं, बच्चियां तमाम जो है वो मौजूद थी और सभी की एक ही मांग थी। और शायद ये मांग अब हैदराबाद पुलिस की तरफ से पूरी कहीं ना कहीं हो गई है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर अब स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जब आरोपी भागेंगे तो इसमें पुलिस क्या करेगी। तो एनकाउंटर को सही बताया है स्वाति मालीवाल ने। तो क्या उन्होंने कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जघन्य अपराध करते हैं उन्हें हर हाल में 6 महीने के अंदर अंदर फांसी पे लटका दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कोर्ट प्रोसीजर्स और इन सबको बाईपास करके देश की पुलिस शायद यही करने लग जाएगी जो अब हुआ है। खैर बहरहाल जो भी हुआ है, कम से कम अब वो लोग सरकारी मेहमान तो नहीं बन के रहेंगे जैसे कि निर्भया के रेपिस्ट आज 7 साल बाद तक सरकारी मेहमान बने हुए हैं।